हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्री की टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स हैं और उस पर हमने काम किया। अब नेक्स्ट टेक्निक जो है हम करने जा रहे हैं, पहले वेट एंड वेट और फिर हम करेंगे एक नई न्यू टेक्निक को यूज़ करके हम जो है हिल स्टेशन के ट्रीज जो आप देखते हैं मोस्टली हिल स्टेशन के होते हैं, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कलर्स, आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कलर रेड है और कोबाल्ट ब्लू है, एक्रेलिन ब्लू है, सैफरीन है, ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक, बर्न साइना एंड बर्न टम, तो इन कलर का यूज़ हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नंबर का, 1, 2, 3 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम जो है यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल फ्लैट ब्रश, बहुत छोटा सा नंबर है, 1 नंबर का है, और आप इससे इसका जो है स्टंप बनाएंगे। अब देख रहे हैं मैंने एक जो है वर्टिकल 90 डिग्री पे एक स्टंप का शेप दे दिया। इस स्टंप के बनने के बाद आप इसमें नाइफ का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ब्रश से आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये थिक एंड थिन जो है, थिक एंड थिन का जो कम्बिनेशन है, तो इसमें दो कलर हम यूज़ कर रहे हैं, एक डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन, यानी सैफ ग्रीन एंड रेडिएंट ग्रीन। तो हम टॉप से शुरू करते हैं इसको, टॉप से शुरू करने के बाद, और कुछ हम अभी येलो लेते हैं क्योंकि टॉप पे इसके थोड़ा सा येलो इफेक्ट जो है आ रहा होता है। आप देखें मैं नॉर्मल टच लगा रहा हूँ ब्रश के और ये शेप लेता जा रहा है। तो इसी तरह से आप एक ही शेप में इसको करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और कलर साथ साथ अब यूज़ करें। इसमें थिक कलर का यूज़ किया जा रहा है, तो आप भी जो है कलर के साथ पानी का यूज़ ना करें, तो हम सिर्फ कलर ही यूज कर रहे हैं इसमें। अब देख रहे हैं एक नॉर्मल बिल्कुल वे में हम चल रहे हैं दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, और इसका शेप जो है बनता जा रहा है। थोड़ा सा लेमन येलो कहीं कहीं पे आप टच कर सकते हैं इससे, और थोड़ा सा वाइट भी ले सकते हैं कहीं, थोड़ी सी लाइटिंग दिखाने के लिए, और इससे अच्छे इफेक्ट आ जाते हैं। आप देखें इतना सुंदर सा उसका व्यू आ गया, और इसको हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आते आते कंप्लीट करते हैं। अब हमेशा याद रखें, जब भी आप बना रहे हैं इसको पूरे कॉन्फिडेंस से आपका ब्रश चलना चाहिए, डरे मत, खराब हो जाता दोबारा से ट्राई करें और आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा। अभी देखिए मैंने सैफ ग्रीन और बर्न टम्बर और लेमन येलो वाइट का यूज़ किया, साथ में स्टंप में सिर्फ हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया क्योंकि स्टंप बहुत कम दिखाई देता है, इसमें सिर्फ हमें लीव्स ही दिखानी होती हैं। तो लीव्स का यूज़ करते वक्त जो है हम इसमें थोड़ा सा वाइट येलो कहीं कहीं पर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कम्प्लीट ट्री आप देख रहे हैं बन गया, और नीचे आप थोड़ा सा चाहे तो ग्रीन का टच भी दे सकते हैं बॉटम के पास, और लाइटिंग के लिए हल्का सा स्टंप में आप वाइट का टच लगा सकते हैं। तो जब ये शेप तैयार हो जाती है, आपको लगता है कि हमें एक साइड डार्क लेना है या लाइट इधर से आ रहा है तो इधर से आ रहा है लेफ्ट एंड राइट की तरह से, तो आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। एक लेफ्ट साइड राइट आ रहा है तो आप राइट साइड डार्क कर सकते हैं, राइट साइड से आ रही है तो आप लेफ्ट साइड डार्क कर सकते हैं। तो आप इन के बीच की जो है हाफ जो है सेक्शन जो है डार्क कर सकते हैं, हाफ लाइट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेंटिंग। अभी अब जब हम इन्हें पेंटिंग में यूज़ करेंगे तो अलग तरह से ये नज़र आएंगे, लेकिन अभी हम आपको नॉर्मल ट्रीज पे ही ये सारा जो है दिखा रहे हैं। ट्री की पूरी सीरीज़ है और अलग अलग टेक्निक के आपने ट्रीज पहले देखे हैं बनते हुए,
और इसी तरह से हम आगे भी आपको और बहुत सारे ट्रीज दिखाने वाले हैं। तो अब वेट एंड वेट टेक्निक से हमने ये ट्री को कंप्लीट किया है, अब हम इसे ट्रांसपेरेंट टेक्निक में कंप्लीट करेंगे। सेम ट्री लेकिन इफेक्ट्स जो होंगे इसके अलग अलग होंगे।